जादुई तीन ऑटो रिक्शा रेस। एक गांव में रोहन, सोहन और मोहन नाम के तीन भाई रहा करते थे। तीनों ही रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर रहे। पिता के देहांत के बाद बीवियों द्वारा कान भरने पर तीनों में बंटवारा हो चुका होता है। अब तीनों भाई के साथ साथ एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी बन चुके थे। ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में तीनों में आपस में ही काफी ज्यादा झगड़ा भी हुआ करता था। एक बार की बात है, हाँ हाँ आओ मैडम जी, मेरे रिक्शा में बैठो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैडम जी, मुझसे पूछा तो मेरे रिक्शा में बैठेंगी वो। अरे तुमसे पूछा तो क्या हुआ, वो मेरे रिक्शा में बैठेंगी। ऐसे ही दोनों भाई झगड़ने लग जाते हैं। वहीं वो औरत रोहन के रिक्शा में जाकर बैठ जाती है और रोहन वहां से चला जाता है। देखा, तेरी वजह से वो रोहन के साथ चली गई। वहीं उन दोनों के झगड़े में आकर रोहन का मुनाफा हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन, रोहन बस तेरा बहुत हुआ, दूध लाते हम है और अक्सर मलाई तू खा जाता है। लेकिन मैंने मलाई कब खाई, मैंने तो दूध छुआ तक नहीं। देख रोहन, तू हमारा भाई है इसलिए हम तुझे प्यार से समझा रहे हैं, ऐसी हरकतें छोड़ दे। अरे पर मैंने क्या किया ये तो बताओ भैया, तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हो तो कौन तुम्हारे रिक्शे में बैठेगा। किसी के पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि तुम्हारे घरेलू तमाशे देखे। अरे ग्राहक पास आएंगे तो मेरा तो काम ही है लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। अरे छोटा भाई होकर जुबान तो देखो कितनी बड़ी हो गई है इसकी, अब अपने आप को बड़ा होशियार समझने लगा है। अरे नया नया रिक्शा है ना, घमंड तो होगा ही। अरे इसको क्या पता, हमारे रिक्शे में बहुत जोर है, अगर तुझे देखना है तो आके खुद देख ले। ठीक है, लगा लेते हैं रेस। लेकिन अगर मैं जीता तो सोच लेना, तुम्हारे पास दिन भर में जो भी ग्राहक आएंगे उनको तुम मुझे दोगे। ठीक है, मंजूर है। हाँ हाँ मुझे भी मंजूर है, लेकिन रेस जंगल के रास्ते पर होगी, जो भी जंगल के रास्ते घूमकर इस जगह पे वापस आएगा वही जीतेगा। मंजूर है। फिर तीनों रेस लगाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही तीनों बीच वाले जंगल में पहुंचते हैं उनके रिक्शा के टायर कांटों के नीचे पड़ते हैं और उनका रिक्शा जो होता है वो पंचर हो जाता है। मुझे मालूम है मोहन भैया, आप नहीं चाहते हैं कि मैं जीतूं, इसलिए आपने ही जंगल में कांटे बिछाए और यहाँ पे रेस करने के लिए कहा। अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं जरूर करता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन अब रेस कैसे कम्प्लीट होगी। तभी अचानक वहाँ एक बाबा आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चा, परेशान हो, तुम्हारी परेशानी का कारण मैं जानता हूँ। तभी वो तीन जादुई रिक्शे प्रकट करते हैं जो कि सोने से, हीरे से और पैसों से बने होते हैं। ये लो पुत्र, ये तीन रिक्शे हैं, और जाओ अपनी प्रतियोगिता पूरी करो, लेकिन हाँ अपने अहंकार में एक दूसरे को चोट ना पहुँचाना, और जो जीतेगा तुम्हारी शर्त के साथ साथ ये तीनों रिक्शा भी वही ले लेगा। जीतूंगा तो मैं ही, और फिर देखो दोनों को कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे बड़ा मैं हूँ, जीतूंगा मैं, जब करोड़ों का रिक्शा मिल जाएगा तो शर्त से मुझे क्या करना। मुझे तो बस अपने हक के लिए लड़ना है, जीतूं या ना जीतूं, भगवान बस हम भाइयों के बीच दूरी ना बढ़ाए, भले ही वो रेस जीत जाए, सारा धन ले जाए कोई बात नहीं। इसके बाद तीनों रेस शुरू करते हैं और आगे बढ़ने के चक्कर में मोहन और सोहन एक दूसरे के ही रिक्शा को टक्कर मारने लगते हैं, जिससे दोनों में झगड़ा होने लगता है। वहीं रोहन ईमानदारी से दोनों के झगड़ों से बचकर रेस करता है और वो सबसे आगे निकलकर रेस जीत जाता है। वहीं मोहन और सोहन निराश हो जाते हैं। फिर तीनों स्वामी जी के पास आते हैं। अब मेरे कहे मुताबिक ये तीनों रिक्शा रोहन के हुए। इसने तो हमारे झगड़े का फायदा उठाया है। हाँ ये गलत है, बड़ा मैं हूँ, जीतना मुझे था। रोहन ने पूरे मन और ईमानदारी के साथ प्रतियोगिता को जीता है। तुम दोनों अपने स्वार्थ के लिए रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन रोहन उस समय भी तुम दोनों के बारे में सोच रहा था। हाँ भैया, और ये तीनों रिक्शा भी आप लोग रख लो, मुझे रिश्तों से ज्यादा धन प्यारा नहीं है। ये सब देखकर दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। उन तीनों रिक्शा में से एक रिक्शा अपने बड़े भाई को दे देता है और दूसरा रिक्शा अपने मझले भाई को। फिर तीनों मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।